वाह वाह गोपाल परमार जी, धन्य तो है जाति। अब जे पूरे पागल, चलो कपड़ा फाड़वे पे तो आएंगे। अब ये थोड़ी बहुत देर में ईंट पत्थर मार गए। दस बालक है कैसू करके ब्याह करे, सब बालक नो बिहारी जी की सिड्डी न बैठा दे, ले ले कटोरा सब रो जा रहे जाए। कटोरा लेके आओ, ऐसे नहीं देंगे हम कटोरा ले आएंगे और तू बाहू में कचूरी डाल रहे हो। हाँ साहब, छंद भी चल रहा है, छंद जैसा गा रहे जैसा ठीक है, लेकिन गुरुदेव जे रसिया कहते आएगा जाने अपनी ये कन्या ते कही है देखो भोग। क्यों साहब सोटा बारे हो, अपने कम से कम सोटा दिखा तो सही। जिन्नो मैं कुछ गा रहा हूं और वो कुछ गा रहे हैं, और जो तुम गा रहे हो जो फलों की बात गाई थी अभी अभी कह रहे थे कि टिंचू उस्ताद क्यों बिगड़ रहे हो। टिंचू उस्ताद ये कह रहे थे कि गोपाल जो कुछ भी गा रहा है सब बैरक बालों का गा रहा है, नहीं तो कसम रख करके पंच पे कह दे, कसम खा करके। भाई बिल्कुल सही कह रहा है, या ओम भी रखी सौगंध खा रहा हूं मैं, जय को गा रहा हूं अब तो ठीक है। हमारो ही गा रहे हो और हमारो ही खा रहे हो, कसम तेरी खा रहे, जब ही तो नरक में जा रहे हो। बिल्कुल सही बता रहे हो, तुम सीधे स्वर्ग को चले जाओ, हमें नरक में ही डेर रहते हो, तुम चले तो जाओ जनते। एक फलों का गीत गाया गुरु परमार जी, कोशिश करूंगा गाने की, और तुमने एक गीत गाया आजा लौट के मेरे बीत, इसकी भी कोशिश करूंगा गाने की। लेकिन सारी रात का चैलेंज रहा मेरा, तुम पे मेरा एक टुकड़ा नहीं लड़ा, गंगा जली ना लड़ेगा, गंगा चली अपनी अपनी कहना जानते हो बस। और मनोज भैया जा आदमी है तुम जहां ले जाओगे मैठिया चौतरा बंधवावे वो पट बामा गे जे पट बामा गे मोते दंगलो मीर को मां भयो मैं सा माटियां जैसे कर कर रगड़ दो, मैंने ऐसे कर कर रगड़ दो। गुरु गोपाल परमार जी ये तो तुम्हारा दिल जानता है, ये तो तुम्हारा दिल जानता है कि किसने किसको रगड़ा, पब्लिक भी जानती है इस बात को। हाँ पब्लिक भी जानती है इस बात को, लेकिन हाँ पब्लिक जानती है। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब सभी लोग जो कुछ इन्होंने गाया है इनके भी जवाब गाऊंगा और कुछ अपनी तरफ से भी गाऊंगा, और मां साहब दिखाओ इनकी तरह नहीं गाऊंगा। आज मैं बड़ा खुशनसीब हूं, बड़ा खुशनसीब, कम से कम पूरा खिच्चो आटे वाले कम से कम अकेले ओम बीड़ते तो लड़ रही है, जनता तो देख रही है इस बात को। मथुरा वाले इस बात को पक्षपात वाली बात मत करो ना, मैं भी जानता हूं इस बात को कि तुम खिच्चू आटे वालों से ज्यादा लगाव है तुम्हारा, नहीं नहीं यार। लेकिन आपने सुनो सदर बाजार में भी आपने दंगल कराया और खिच्चू आटे वालों से ही कराया, और दो दिन का दंगल हुआ, ईमानदारी से बताओ कि दो दिन के अंदर क्या परिणाम निकला इन लोगों का। खूब दोनों, हाँ साहब अब देखे जवाब इधर से। और कोई धा धा करे और टहने लगी और वो कर कर प्रेम पुकार, और कोई घर में ही और सब बैठी सखी, और वो तो अपने माने को
जो कह रहे नाम डाल के ला रहा हूँ छंद में, अब देखो किस तरीका से डाल रहा हूँ छंद को, अब क्या नाम पड़ रहा है इसमें। हाँ तो मैंने कहा कह दो नहीं, कम से कम मैं नाम डाल के तो ला रहा हूँ, गंगा जली गंगा चली कहाँ गई है? है? तो मैं तो कोई भीखो न डारे हो जा वृंदावन में, ईमानदारी तो बता रहा हूँ। हाँ साहब, अरे कोई गोरी राधा के आगे से खिझरेगी, ये गोरी राधा के आगे से खिझरेगी, चौक त्यारो नाम है चोर उझकियन में, अरे त्यारो नाम है चोर उझकियन में, और पार तुम्हारी नाय पड़ेगी जब खून बहे गो नथिया। नाम डाल रहा हूं देखो, गोरी राधा के आगे न पार पड़ेगी, और पार गोरी राधा के आगे सेखी जरेगी, और पार तुम्हारी नाय पड़ेगी गो पा। अब देखो किस तरीका से डाल रहा हूँ। हाँ साहब, और लल्ला सूरत पड़ जाए काली लल्ला, गो पा ल, लल्ला सूरत पड़ जाए काली, परसाने अरे सिंह नल दे परसाने बारी, हमने रखी खीर की प्याली। अब देखो इसमें क्या रहा है, गोपाल से अरे हमने रखी खीर की प्याली, पइयों मैंने वो सब ब्रज के रखवारे हो, अरे अब के होली में तुम्हें देखूं तुम कितने मुंह चमकारे हो, अब की होली श्याम सभी होर दंग अज मैया माने वो, गोपाल गुरु गोपाल गुरु तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं, और इस बात को ये जनता भी देख रही है, तुमने नाम घटा करके गाए, अकेली मार्ग में थी पालक में थी, अब देखो मैं किस तरीका से घटा करके लाऊंगा। मां साहब तुम दिखाओ, आवार हवा का झोंका हूं मैं, निकला हूं पल दो पल के लिए। पल दो पल के लिए आवारा हवा का झोंका।
पल दो पल के लिए मेरी जान पे पत्थर बरसा दो, बचना दो उस पागल के लिए आवारा हमारा। अब देखो किस तरीका से नाम घट के आएंगे गोपाल गुरु। हाँ साहब सभी लोग सुने पत्रा वाले हो। आमन की कह गए सांवरिया, देख आमन की कह गए सांवरिया। एक तो आमन की और आम। आमन की कह गए सांवरिया, ऋतु बीत गई है सामन की। आमन की कह गए सांवरिया, ऋतु बीत गई है सावन की। अरे आमन की कह गए वो सांवरिया, ऋतु बीत गई है सावन की। ऋतु बीत गई है सावन की, ऋतु बीत गई है सावन की। अब दूसरी लाइन क्या कह रही है? अरे ऋतु बीत गई है सावन की। का करी खता मैंने मोहन। का करी आर्य साहब समझ में। का करी खता मैंने मोहन, ना प्यास बुझाई चावल की। प्यास बुझाई जामुन की और एक जामुन खाने वाली। अब देख क्या कह रही है राधा। देख मैं बेर बेर पूछूं सबसे, बेर तुम्हारा एक भी लौकी पाल को तो रही कछु डार के तो नहीं ला रहा साहब। अब जो चौंटार के ला रहे जिन्नो के जिन्नो सदा टकेल लगाई है, लौकी ले लो तोरी ले लो पालक ले लो। मैं पैर पैर पूछूं सबसे, क्या देखा है मेरे मोहन को, क्या देखा है मेरे मोहन को, क्या देखा है मेरे मोहन को। मैं बेर 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 खाने वाला भी और मैं बेर बेर पूछूं सबसे, क्या देखा है मेरे मोहन को। अब देखो अरे मैं बेर बेर पूछूं सबसे, क्या देखा है मेरे मोहन को, क्या देखा है मेरे मोहन को, क्या देखा है मेरे मोहन को। अरे क्या देखा है मेरे मोहन को, पीपल तरबूजा करवाए, पीपल तरबूजा करवाए। एक तरबूजा और एक पीपल तरबूजा। बूजा कहते हैं जिसको। सभी लोग सुनने आ रही है सब दिमाग में। अरे मैं बेर बेर पूछूं सबसे, क्या देखा है मेरे पीपल तरबूजा करवाए, पीपल तरबूजा करवाए। मैंने खाक छान ली दामन की, दामन की तेरे सांवरिया। ये है सावन की।
ना करी खता में ने मोहन ना प्यास बुझाई जामन की सारी जनता कह रही है अरे मनोज के संग में गोपाल तुम्हारी और न्या थू 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 आजा लौट के मेरे मीत दिखाए मा साहब भाईचारे की याद आ रही है
आज जब तू मर रहा है तो आज तुझे याद आ रही है तो देख भाई चारा कहाँ गया तूने भारी तंगी की नी और देख जरा शर्म ना तुझको आई जब द्रौपदी नंगी और देख हो चाहे राजा रंग फकीर हो चाहे राजा रंग फकीर हो चाहे राजा रंग फकीर समय से हर कोई जाता है हो चाहे राजा रंग फकीर समय से हर कोई जाता है और अरे अभिमन्यु को किया अखी जब अभिमन्यु को किया अखीर आज तू आंसू बहाता है कोई कह गए वो लच्छी लाला है अरे ओ मीर शरमान तेरे मुंह पे चढ़ दो और आज ताला अलीगढ़ देखिए एक फरमाइश भी है और एक हमारे सुरेश भैया सुरेश गोस्वामी जी और एक होली का गीत सुनाना चाहते हैं। देखिए बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए यहाँ पे हम तो गा ही रहे हैं लेकिन इन लोगों का भी नंबर आना चाहिए क्यों कि जब आगरा से पागल खाने थे छूट छूट के जहाँ लोग आ गए तो भैया मथुरा से आए कम से कम इनका भी सुनो। अगर आगरा से परमार भैया ना होते ना तो तुम आराम से दंगल काम थे फिर तुम्हें गोंडूरा काटने पड़ते। देखो जी मेरे को होली की फरमाइश है भैया उल्टी सीधी जैसी गा रहा हूं प्यार से सुन लीजिए। देखिए गुरुदेव बात वृंदावन की नहीं है हमका कहीं बाहर के क्या बात वृंदावन की नहीं है ये तो जहां भी मिलेंगे वहीं कुश्ती घुस घुस के मारेंगे जहां भी मिलेंगे वहीं बात वृंदावन की नहीं है। और सुनो इतनी तो ये खैर खूबी मान लो कि हमारे दरवाजे पर दंगल हो रहा है जो जिनकी रात कट रही और नहीं अब तक तो ढोलक तांसे कब के उठ गए होते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सवरी रात है गई और होरी को महीना हो होरी तो इनकी चल रही लेकिन दोनों तरफ से वह राधे को जवाब एक तरफ कृष्ण को होना चाहिए एक तरफ राधा को होना चाहिए आनंद आवे। लेकिन मैं तो एक ऐसी बात सुनावे जा रहा हूं तुम्हें बहुत अटपटी कोई खेलत के
भैया परमार जी, भैया परमार जी, भैया परमार जी, मैं देखो बोलोगे भैया भाई कलाकार तो है ना। महाराज का समय, हमने इन लोगों का वो जमाना देखा है चाचा कि जब हम बच्चा थे और ये लोग जवान थे, घास पजरती इनके नाम से ऐसा गाना, ना ना बिल्कुल सही बात ही है, बिल्कुल सही बात थी। उस्ताद बाबूलाल के साथ में ये डांसर बनते थे और ये गत होती थी सारी रात न्यो करके लहंगा में। जब तक गुरु घासी जलती थी, आजकल तो झुंड के झुंड जल रहे हैं बैरगियों के बारे। महाराज को समय भोलेनाथ कहने लगे पार्वती कहां जा रही है। बोले महाराज देखो जी आनंद सुनो तो सुनाऊं, है सके साथ आनंद आवे वो कहां जा रही है पार्वती। बोले महाराज में, बोले मैं हूं चलूंगू। बोले महाराज महापुरुष नहीं जा सके। महापुरुष नहीं जा सके, केवल नारी ही नारी जाएंगी। भोलेनाथ बोले देखो पार्वती ऐसा मत करो, वो तो महाराज जरूर देख रहे होंगे। बोले महाराज देख ले जनानो बनना पड़ेगा। परमार जी जनानो बनना पड़ेगा। भोलेनाथ कहवे लगे ठीक है तुम्हारी इच्छा श्रृंगार कर दे मेरो, लेकिन महाराज देख भाई जरूर चलो। जैसे ही महाराज में आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोलेनाथ पहुंचे, भंडारी जी भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लियो दूर से ही। बोलो ओहो आज तो जटाधारी आ गए महाराज में, जी मोटी ये लंबी चौड़ी सखी खूब आई। भगवान श्री कृष्ण ने निरंजनलाल जी और पिचकारी जैसे घूंघट बतानी लाला जा सोला लियो ने मुंह। अरे मत मारे मत मारे मत मारे श्याम रंग पिचकारी, अरे मत मारे श्याम रंग पिचकारी, मैं तो लाज के मारे मर जाऊंगी रे, मैं तो लाज के मारे। मत मारे नहीं अंत किनारों कर जाऊंगी।